रही मेरी? यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो अक्षत। हाँ जी। ओके ओके, आर यू वर्किंग सर? यस सर, आई एम वर्किंग। विच कंपनी सर? वर्किंग विद एसेंचर सर। ओके, योर करेंट प्रोफाइल सर? करेंट प्रोफाइल इज सर यूनिक्स एडमिन। वाओ, इट्स अ मिक्स ऑफ अ बिट ऑफ डेवॉप्स, नॉट प्रॉपर डेवॉप्स, वोडाफोन डेवॉप्स एंड क्लाउड। ओके, आप वोडाफोन में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रहा सर? नहीं सर। थैंक यू, थैंक यू सर। आपकी स्टार्टिंग से ये रिकॉर्डिंग पे ही है, डोंट वरी आप। ओके ओके, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? विजुअल हो रहा है आपका? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके, थैंक यू सो मच। आप लिनक्स एडमिन है, यूनिक्स एडमिन है, राइट? इसकी ए आई एक्स पे करते हैं या एच पी यू एक्स पे है? लिनक्स की नॉलेज है। ओके, वेरी गुड। ओके 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 ओके, आई एम अंडरस्टूड, इट्स ओके। आपने सडनली ऑटोमेशन पे कैसे मूव करे? अचानक कोई प्रोजेक्ट आया सडनली? जॉब स्विच करना चाहते हैं? ओके ओके, अक्षत सर मुझे एक बात ये बताओ। चलो ठीक है, आप ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है आप ये बताइए? 11 इयर्स एक्सपीरियंस है सिर्फ सर्वर लेवल पे या एप्लीकेशन लेवल पे? मतलब सर्वर ईयर ईयर आपका मतलब मींस मतलब 12 इयर्स एक्सपीरियंस है सर्वर लेवल पे, राइट? पैचिंग वगैरह डिप्लॉयमेंट वगैरह देते थे क्या? ओके ओके, सही है, गुड गुड। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको एटलीस्ट लिनक्स से अवेयरनेस तो है ना? बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। क्या अभी आपकी जो ऑफिस टाइम क्या है? इवनिंग अभी वर्क फ्रॉम है आपका क्या है? ओके, चलो सही है भाई। अक्षत सर मुझे आप ये बताइए, आपको सजेशन किसने किया ऑटोमेशन इंसिबल के लिए? या आपको पहले से अवेयरनेस ऑफ ऑलरेडी यूनिक्स एडमिन है या आपको पता है कि हाँ स्क्रिप्टिंग होती है, ऑटोमेशन है? बट क्योंकि इसलिए ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई ना, 2014 में आ गया था, जैसे अभी अब सेवन। मैं आऊँगा उस पर आऊँगा, क्वेश्चन पे आऊँगा, थोड़ा दोनों पे डिफेंस है। नमस्ते सर, इतना इतना इनफ है जितना आप मेरे को बता रहे हैं सर, जितना इतना मुझे आइडिया इनफ है। चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? अगर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स क्या समझते हैं, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आप पॉइंट चलो
एक बात बताइए, आप इस यूनिक्स एडमिन है ठीक है, है ना। सपोज मैं मान लेता हूँ आप यूनिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, राइट, है ना। आपका ये रोल था स्टार्टिंग में, है ना, यही था ना, है ना। आपका ये बताओ, आपका जॉब रोल क्या था? वीएम क्रिएट करना, राइट, वॉटर पॉइंट है ना, वीएम क्रिएट करना। वीएम क्रिएट करके उसके बाद आप क्या ऑपरेशन करते थे वीएम के ऊपर, ये बताइए, है ना। आप ये बताइए, जो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका जो प्रोफाइल क्या होता है सर्वर के ऊपर? आई थिंक यूजर क्रिएट करना, राइट, है ना, यूजर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट कर देना, है ना, फोल्डर क्रिएट करना, है ना, पैकेज इंस्टॉल करना, राइट, है ना, पैकेज इंस्टॉल करना, देन एप्लीकेशन की सर्विस स्टार्ट कर देना, है ना, फायरवॉल अलाउ कर देना सर्विस को, पोर्ट को या सर्विस को, है ना, स्टोरेज मैनेज करना, राइट। ये सब रोल्स किसके थे? एडमिनिस्ट्रेटर के, है ना। तो पहले मैं एनसीबल से पहले ना कुछ जो एक ऑटोमेशन का लेकर जो एक मार्केट में जो बूम है ना, ऑटोमेशन एक्चुअली ऑटोमेशन आया कहाँ से पहले उसके थोड़ा हम प्रीवियस चलते हैं ना। ऑटोमेशन तो अभी आई है 2014-15 के अप्रॉक्स, है ना, 15 में लॉन्च हुआ था, है ना। तो इससे पहले भी हम लोग वर्क तो कर ही, एज ए हम लोग भी सिस्टम एडमिन तो हम लोग तो वर्क कर ही रहे थे ना सर, पहले बताओ, है ना। तो एक बार हम थोड़ा सा प्रीवियस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते थे, फिर ऑटोमेशन आप खुद समझ जाओगे, है ना, बहुत अच्छे से कि ऑटोमेशन वर्ड क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वर्ड क्या है और ये टेराफॉर्म क्या है, है ना। तो पहले लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पहले कि सर्वर पे फाइल को क्रिएट करना, यूजर क्रिएट करना, हम लोग सब मैनुअली टास्क करते थे, पता है ना, आप भी किए होंगे, सबको मैनुअली क्रिएट करना, है ना। आपने देखा होगा कि ऑन प्रमिसेस में सर्वर के ऊपर 100 यूजर क्रिएट करने पड़ते हैं ना, 100 फाइल क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हम जो 100 यूजर की कमांड जब एग्जीक्यूट करते थे मैनुअली, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगता था ना, मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको पासवर्ड भी असाइन करते थे, 100 फाइल बना रहे हैं, ना, मतलब मीन्स कहीं ना कहीं हमें हाई माइंड पावर ज़्यादा लग रहा था वहाँ पे, है ना। वक्त तो हो रहा था बट वही है, टाइम लग रहे थे, है ना, है ना सर, क्लियर है। उसके बाद हम फोल्डर भी क्रिएट करते, फोल्डर अगर आपने देखा होगा कि फोल्डर भी वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर के एट ए टाइम वन टाइम में हमें क्रिएट करना पड़ता था, है ना, कि 100 फोल्डर के वहाँ भी मैनुअली कर रहे होते थे, MKDIR कमांड मैनुअली दे रहे होते थे, है ना, ऐसे बैठ कर दे रहे होते। पैकेज इंस्टॉलेशन में भी हम लोग यही कर रहे थे, यम कमांड से RPM से मैनुअली बैठ कर पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे, जो भी पैकेज की नीड होती थी, सपोज यम इसका अपाची को या MySQL का हो या NFS सर्वर हो या सांबा सर्वर हो, जो भी जितने भी सर्वर है, DRDNS सर्वर है ना, मैनुअली कर रहे थे, जहाँ पे एक टेक योर टाइम लग रहा था हर मैनुअली प्रोसीजर में, है ना, है ना। फिर ना आपने एक चीज़ देखा होगा, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो लिनक्स एडमिन था उसी प्रोफाइल में एक और स्किल एड ऑन किया गया कि आप इस काम को मैनुअली ना करके आप क्या करो, शेल स्क्रिप्टिंग की प्रोफाइल एड ऑन किया गया, ऑटोमेशन एड ऑन किया गया, आपने देखा एक प्रोफाइल इसको एड ऑन कर दिया गया। अब उनको क्या बोला गया, लिनक्स सिस्टम एडमिन में ये प्रोफाइल को एड ऑन किया गया, क्योंकि वो कमांड से चीज़ों को कर रहे थे, यूजर एड करना, सर्च कमांड से फाइल क्रिएट करना, MKDIR से फोल्डर क्रिएट करना, है ना, उसमें ये चीज़ें एड ऑन किया गया, शेल स्क्रिप्टिंग को उन्हीं के प्रोफाइल, उनसे ये बोला गया कि आप ये सब काम ना आप जो करते हो ना, जो मल्टीपल्स वन बाय वन यूजर आई डी करते हो, वन बाय वन फाइल क्रिएट करते हो, वन बाय वन फोल्डर मैनुअली क्रिएट कर रहे हो, मैनुअली पैकेज इंस्टॉलेशन कर रहे हो, है ना, है ना, तो आप इस चीज़ को क्या करो ना, ऑटोमेशन करो, उस बढ़ ऑटोमेशन किसके थ्रू करें, तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू, किसके थ्रू करें, है ना, शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू करें, है ना। तो
जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर था वो क्या करता था, एक स्क्रिप्ट लिखता था। स्क्रिप्ट कैसे, सपोज एक यूजर आईडी बनानी है तो उसने क्या किया करता था कि इसका स्क्रिप्ट लिख दिया, सब कुछ मालूम है यूजर डॉट एस एच नाम से। आई थिंक आपको एक आइडिया होगा इसके बारे में, है ना, थोड़ा सा बस ओवर भी दे रहा हूँ, है ना। यूजर डॉट एस एच नाम के क्या करता था, स्क्रिप्ट बनाता था, है ना, और उसके अंदर वो चीज़ें लिख देता था, यूजर आईडी लिख देता था, कितना यूजर बनाने हैं वो लिख देता था, उसको लूप में भी डाल देता था। आई थिंक आपने भी किया होगा ये कभी कभी। हम उसको स्क्रिप्ट को क्या कर देते थे, फिर लूप में डाल देते थे, है ना। लेकिन स्क्रिप्टिंग के साथ इशू क्या था, एक तो पहली बात, जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पहले उसको कमांड की नॉलेज चाहिए, कॉटेड पॉइंट, है ना। जो एडमिन स्क्रिप्ट लिख रहा है उसको लिनक्स कमांड का नॉलेज होना चाहिए। अगर मुझे मल्टीपल यूजर राइट करना है स्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमें पहले मेरे पास वो कमांड की नॉलेज होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग ऐसा समझो कि उसका जो है ना एक तरह से प्लेन रो है, हमें जो टास्क करवानी है स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमें वो डिफाइन करना पड़ रहा था उसके अंदर। अगर मल्टीपल मुझे फोल्डर क्रिएट करने थे, हमें उसके अंदर स्क्रिप्टिंग के अंदर हमें mkdir कमांड हमें पता होना चाहिए, है ना सर। लेकिन इसके साथ एक इशू था, चलो ठीक है ये सक्सेसफुल था, लेकिन बट इसके साथ भी थोड़ा बहुत इशू था, डिसएडवांटेज भी था इसके साथ में, स्क्रिप्टिंग के साथ थोड़ा सा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता था, स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट कर देता था, है ना। लेकिन इसके साथ एक इशू मसला ये था अक्षत, कि सपोज ये यूजर एसएच वाली फाइल ना, एज्यूम कीजिए कि 100 वीएम के ऊपर चलना है, कि हर वीएम के ऊपर जाकर मुझे 100 यूजर क्रिएट करना है ना। लेकिन जो जो सेल स्क्रिप्टिंग का जो वर्किंग था ना, वर्किंग स्टाइल, वो ऐसा था कि सपोज 100 नोड के ऊपर चलना है और इसने 10 नोड के ऊपर चला, है ना, और 11 नोड के ऊपर रुक गया, ठीक है, तो बाकी नोड के ऊपर नहीं चलते थे फिर। हाँ जी पूछिए। नहीं पैरेलली नहीं चलता है, हाँ मतलब इंडिविजुअल बोलो आप, वन बाय वन, वन बाय वन चलेगा इंडिविजुअल। तो उसमें इसमें एक इशू मसला ये था, अगर मेरे पास 100 नोड है ना, 100 नोड की में क्या हुआ कि जो मेरा स्क्रिप्ट 10 नोड के ऊपर अच्छे से वर्क किया और 11 नोड के ऊपर आकर ना स्क्रिप्ट रुक गया, कुछ रीजन हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो सकता है या कुछ हो सकता है, कि हो सकता है कि जिस नोड के ऊपर ये स्क्रिप्ट चलने वाला था उसकी स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन को लेकर भी हो सकता है, कुछ भी मसला हो सकता है ना, तो बाकी नोड के ऊपर भी स्क्रिप्ट नहीं चलते थे। समझ में आई बात सर? हेलो जितनी, ठीक है सर। तो इसमें एक मसला था कि जो स्क्रिप्ट चल रहा है 10 नोड के ऊपर स्क्रिप्ट अच्छे से चला और 11 नोड पे रुक गया, तो बाकी नोड के ऊपर भी नहीं चलता था, ठीक है। हो सकता है कि जिस नोड के ऊपर यह स्क्रिप्ट चलने वाला, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा, या तो फिर कोई उसका सर्वर का अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चीज़ें नहीं रहा होगा, स्पेस वगैरह नहीं रहा होगा, है ना। ऐसा भी मसला होता है, आपने देखा होगा कि हम रन टाइम में जब हम ऑन प्रेमिस में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन या कुछ टास्क करते हैं, तो हमारा जिस नोड के ऊपर हम वो टास्क करने वाले हैं, तो पता है कि ईवीडी कमांड या ईवीडी कोई एप्लीकेशन जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल रिसोर्स चीज़ लेती है, कंज्यूम करती है ना उस सर्वर से, है ना, जो भी रैम वगैरह हो, जो भी स्टोरेज वगैरह है ना। तो हो सकता है ये भी मसला हो सकता है कि नेटवर्क वहाँ पे जो स्क्रिप्ट के अंदर 100 नोड का इन्फॉर्मेशन क्रेडेंशियल डाला था, हो सकता है कि कोई नेटवर्क रीचेबल ना हो, ये भी मसला हो सकता है ना। लेकिन अभी वो भी पॉइंट नहीं कि मसला नोड के ऊपर क्या था, लेकिन अभी यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग में मसला डिसएडवांटेज को आप ये समझिए सर, अच्छा सर, कि आप ऐसा समझिए कि जहाँ पे हमें 100 नोड के ऊपर ये स्क्रिप्ट को रन करना था, 10 नोड के ऊपर चला, 11 नोड पे रुक गया, तो बाकी नोड के ऊपर नहीं चलता था, पहला इशू से सर। एक तो हो गया, एक तो ये मसला था, इंडिविजुअली वर्क करता था। दूसरा बार जो इसमें जो मसला था ना, इसमें जो दूसरा मसला ये था कि हर नोड के ऊपर जो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट हो रहा है, आप ऐसा समझिए कि उस पर वो 5 मिनट ले रहा है टोटल। अगर 100 नोड के ऊपर चला, नोड समझते हो ना, मतलब मशीन, यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो, तो
तो फिर सोची कि 500 टाइम लेता था इसमें, 500 टाइम लेता था। मतलब कहने का मतलब सर ऐसा है कि एक तो इंडिविजुअल वर्क कर रहा था, दूसरा बात आप करें तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा था इसमें, तीसरी पॉइंट ये है कि ये इसमें वो चीज़ भी ज़्यादा लग रहा था, स्किल की भी नॉलेज चाहिए, कोई भी स्किल ट्रिक लें तो उसके लिए कमांड का अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। तो अब तक काम हम लोग ऐसे ही करते हुए आ रहे थे। सपोज समझिए आपने देखा होगा ऑन प्रमेसिस में, आपने देखा होगा कि हमारे पास दो टीम होती है, आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन टीम अलग होती है, डेवलपर टीम अलग होती है, है ना। डेवलपर की टीम अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेटर की टीम अलग होती है ना। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि प्रोडक्शन टीम अलग बैठते हैं, डेवलपर टीम अलग बैठते हैं, टेस्ट मॉनिटरिंग टीम भी अलग ही बैठते हैं, वो भी हम लोग का, है ना। तो आप ये जूम कीजिए कि सब कुछ प्रोडक्शन का टीम है, प्रोडक्शन के टीम में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है ना, प्रोडक्शन में ये बैठा हुआ है, और डेवलपमेंट टीम में डेवलपर बैठे हैं एक साइड पे। डेवलपमेंट ली देता हूँ, ठीक है, आप ऐसा मान समझिए डेवलपमेंट साइड में यहाँ पे डेवलपर बैठे हुए हैं, ठीक है, डेवलपर बैठे हुए। आपने एक चीज़ देखा होगा कि डेवलपर के पास ऐसी कोई स्किल नहीं होता कि वो VM को कैसे प्रोविजन करते हैं, मतलब वर्चुअल मशीन को कैसे प्रोविजन करते हैं और उसके ऊपर कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्विस स्टार्ट करते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट बैठे, आपको पता है जैसे ई कॉमर्स कंपनी की बात करूँ, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट, तो आप एज्यूम करते होंगे, आप ऐसा समझिए वहाँ पे कितने डेवलपर बैठे, हजार हजार डेवलपर बैठे होते हैं, काम करते ही करते हैं ना, और हर डेवलपर को मशीन चाहिए, मशीन के ऊपर एप्लीकेशन चाहिए। किस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए जी? हर VM के ऊपर ना जावा का एप्लीकेशन चाहिए, पाइथन की एप्लीकेशन चाहिए, नोट जेएस की चाहिए, चाहिए ना, मेरे बताइए, है ना। ऐसा समझिए हर डेवलपर को ना मशीन चाहिए, हर मशीन के ऊपर ये सब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है। आप इसी में क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है ना, ऐसा मानिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि डेवलपर को बस ये दो ही चीज़ पता है जी, कोड कैसे लिखते हैं, है ना, बस, और तो कुछ आता नहीं है कि कोड को लिखना कैसे है ना। लेकिन कोड कहाँ पे लिखना चाहिए, लिखा जाएगा उनका पास ही एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन कहाँ चलता है, VM के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप एज्यूम कीजिए अगर 100 नोड भी प्रोविजन करना है ना, यहाँ पे 100 नोड के ऊपर अगर एप्लीकेशन को प्रोविजन करना है, अगर मैनुअली जाकर आप हर के मशीन के ऊपर मैनुअली बैठ के जावा इंस्टॉल कर रहे हो, पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बंदा भी क्या करता था कि उसने भी एक स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे, सपोज पैकेज डॉट एस एस नाम का स्क्रिप्ट। देखो आपने पता कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हमें जो लिनक्स एडमिन होते हैं उनका काम क्या होता है कि पहले VM को प्रोविजन करना है ना, पहले VM प्रोविजन करो। VM वो फिजिकली चल रहा है, डेडिकेटेड है या किसी हाइपरवाइजर पे क्रिएट हो रहा है या कंटेनर बेस, वो बाद में डिपेंड करता है, ये डिफरेंट मैटर है ना कि क्या है वो VM या क्लाउड का EC2 ले रहे हैं ना, वो भी वो मसला नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता था कि अपने मशीन पर बैठ कर एक स्क्रिप्ट लिखता था, वो स्क्रिप्ट में क्या करता था YUM कमांड के थ्रू वो चीज़ें डिफाइन कर देता था, ये पैकेज, ये सर्विस, इसकी सब ओके करके दे देता था और स्क्रिप्ट को रन कर देता था नोट के ऊपर। इससे क्या हुआ कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा फास्ट हो गया ना, एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग क्या हो गया इससे थोड़ा फास्ट हो गया, है ना। जहाँ पे एडमिन बंदे बैठकर मैनुअली कमांड को चला रहे हैं, 100 नोड के ऊपर हुआ, YUM इंस्टॉल सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, अब इस चीज़ को स्क्रिप्ट में ही डाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया है ना। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इस बेस इस टेक्निक इस मेथड को यूज करते हुए आ रहे थे, बट इसमें लेकिन मसला था तीन चीज़। एक तो इंडिविजुअल काम करता है, मैंने तो बताया कि पैरेलली वर्क करता नहीं है ना। दूसरी मसला कि जो चीज़ की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रही है, फाइल क्रिएट कर रही है, फोल्डर क्रिएट कर, उसकी कमांड की नॉलेज होनी चाहिए जी अच्छी तरह से, तभी लिख पाओगे। अगर सपोज आपने देखा होगा कि हम लोग जो डिस्क यूटिलाइजेशन देखे हैं, CPU की यूटिलाइजेशन देखते हैं, हम देखते हैं ना मॉनिटरिंग टॉप कमांड वगैरह या स्टॉप वगैरह कमांड से देखते हैं ना। तो हम लोग भी ये काम को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 ईयर से ज़्यादा मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ लिनक्स में भी, ठीक है।
तो वहाँ पे हम लोग का मसला क्या होता, हम लोग भी यही करते थे कि सीधे स्किप को उठाते थे, टॉप कमांड के अंदर डाल देते थे, टॉप कमांड को उठाते थे और वहाँ डाल देते थे, और स्क्रिप्टिंग को कहाँ लगा देते थे, क्रॉन टैब में लगा देते थे। आपने किए कभी ऐसे लाइफ में, है ना? तो बहुत असर, बहुत बेत है मतलब काम करने का, है ना? तो पहले ये हमारे पास ना ये इस टेक्नोलॉजी को हम लोग स्क्रिप्टिंग पे यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला चैलेंजिंग ज़्यादा बढ़ने लगे, हाई मैन पावर लगने लगा, स्किल नॉलेज में ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा लगने लगा, टाइम ज़्यादा लगने लगा, है ना? देखो अभी मार्केट क्या है, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखो तो मार्केट में यूजर को या कस्टमर को प्रोडक्ट फास्ट चाहिए। वो फास्ट कब होगा? जब प्रोडक्ट ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होगा। फास्ट डेवलपमेंट कब होगा? जब तुम्हारे पास मशीन और एप्लीकेशन और डेवलपर तो एनी टाइम बैठा ही बैठा है। देखो डेवलपर की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, डेवलपर जब चाहिए जब बैठा हुआ है ना। गलत बात बता रहा हूँ, अच्छा सर डेवलपर रेडी है, डेवलपर खड़े हैं बताओ। लेकिन डेवलपर के ऊपर VM और एप्लीकेशन रिसोर्स देने के लिए चाहिए, बस हमें प्रोवाइड करानी है। डेवलपर रेडी है, कोड टू रन, उसको पहले से पता है कि क्या क्या कोड लिखनी है, लेकिन उसे हमें VM के ऊपर एप्लीकेशन डाल के देना, ये सब किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेटर का, है ना? बाद में कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है उसकी ट्रबल शूटिंग भी करना होता है ना, एप्लीकेशन नहीं चल रही है एप्लीकेशन की भी ट्रबल शूटिंग करना, है ना? तो ये सब काम ना हम स्क्रिप्टिंग से पहले भी करते आ रहे हैं, ऑटोमेशन ऐसी बात नहीं है, ठीक है? जो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बंदे थे वो पहले भी इससे काम करते हुए आ रहे थे। मैं डेवॉप्स में हूँ। नहीं सर, मैं कंपनी में नहीं, कंपनी में हूँ। हमारे यहाँ पे हमारा जो अभी है ना जो इंफ्रा है पूरी क्लाउड पे है, हमारे जो इंफ्रा है ना जो AWS के ऊपर है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर माइग्रेशन देखते हैं, हम पूरा माइग्रेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। मैं क्वेश्चन कहाँ पे था, आपने क्वेश्चन फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग ऐसी बात नहीं, देखो अभी भी जिस प्रोडक्शन जिस ऑर्गेनाइजेशन पास अपनी इंफ्रामेंसिबल नहीं, वहाँ तो ये काम भी अभी भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर से स्क्रिप्टिंग ही करवा रहे हैं। जिनके पास सेंसिबल की टीम नहीं है उनसे भी अभी अभी मेरे से पूछो तो वो यही करा रहे हैं, है ना? है ना? हाँ बिल्कुल 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 चलाते हैं सर, करते हैं, है ना? हाँ तो एग्जीक्यूट करने का मूड हो रहा है ना, वो तो बात की बात है ना। लिखना तो पड़ेगा ना पहले, बताओ। भले तुमने CLS की पीस में लिख दिया और सेंसिबल के थोड़ी उसमें क्या सेल स्क्रिप्ट की मुझे से आप यहाँ पे SS कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट कर दो, उनका भले वो मॉड्यूल है ना, लेकिन वो थोड़ी स्क्रिप्ट राइट करना पड़ेगा ना तुम्हें। ये बताइए जो टास्क करवानी है, टास्क डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। अरे हाँ जी यार सर, मैं जब हमारे पास आज से मैं 3 साल पहले जब टेराफॉर्म पॉपुलर नहीं था तो हम लोग पता क्या है जो EC2 वगैरह क्रिएट करते हैं ना, स्टोरेज वगैरह BPC वगैरह, हम लोग एनसीबल से बैठ के कर रहे थे। मैं आऊँगा उस पर लेके आऊँगा ट्रैक में, अभी 2 मिनट में आऊँगा मैं आपका, ठीक है? ठीक है एक ठीक है सर। तो हम लोग स्क्रिप्टिंग से देखो जिस ऑन प्रमेसिस में अभी भी एनसीबल की टीम नहीं है तो ये काम अभी स्क्रिप्टिंग से करा ही रहे हैं, है ना? स्क्रिप्टिंग से हम लोग काम करते हैं, है ना? अब पाइथन से भी स्क्रिप्ट करने लगे हम लोग, रूबी से भी पहले करते थे, है ना? लेकिन सेल स्क्रिप्टिंग हम लोग जो लिनक्स एडमिन है जो लिनक्स एडमिन है इसको यूज करते हुए आ रहे हैं, है ना? मैं पता है वो टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ जो हम लोग प्रीवियस टेक्नोलॉजी SM ना अपने डेली बेसिस पे ना टास्क को करते हुए आ रहे हैं अभी तक, ऐसा करते हुए हम लोग आ रहे हैं लिनक्स एडमिन। अरे आपने तो देखा होगा सर, मैं बताऊँ, आपने देखा होंगे कि अगर 100 नोड या 50 मशीन को अगर पिंग भी करना है ना तो हम लोग पहले मैनुअली बैठ के पिंग कमांड मारते थे, और फिर उसके बाद जब स्क्रिप्टिंग आया तो हमने क्या किया कि सबकी IP को एक में लगा दी और लूप पे डाल देते थे, सबको पिंग कर लेते थे बैठ के। आपने देखा भी होगा, ऐसे भी कर देते हम लोग,
या किसी का सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करना, मैनुअली नोड के ऊपर नहीं जाते थे हम लोग, सीपीयू की सब कमांड वगैरह सब स्क्रिप्ट में डाल देते, स्क्रिप्ट ही चला देते थे, तो मेरा काम चल रहा था। लेकिन मसला था, चैलेंजिंग चीज़ें बहुत, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो रहा था, इसमें स्क्रिप्टिंग में मैन पावर ज़्यादा लग रहा था, कमांड की नॉलेज चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे ऑटोमेशन बोल रहा हूँ, एंसिबल को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ। देखो एंसिबल आने से क्या हुआ, फिर मैं उसके एंसिबल पे इंट्रोडक्शन में अलग से जाऊँगा। देखो एंसिबल आने से मेरा फ़ायदा ये हुआ कि एंसिबल में क्या हुआ ना कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कि किसी बंदे ने लिनक्स सीखा हुआ है, कोई बंदा ना लिनक्स सीखा हुआ है, उसे ये पता है कि यूजर आईडी कैसे होते हैं, फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ना, और कोई दूसरा बंदा ना एंसिबल करके आया, लिनक्स पता नहीं सर, पढ़ाई नहीं, डायरेक्ट उसने एंसिबल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या वो काम नहीं कर पाएगा सर्वर के ऊपर, आपका क्या क्वेश्चन होगा। बस ये सुनना सर। देखो कोई यहाँ पे लिनक्स बंदा है, उसने लिनक्स की स्किल है सर, और कोई बंदा ने डायरेक्ट एंसिबल ही करके आया सर डायरेक्ट, तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें ना कुछ डिफरेंट मैं बताऊंगा। मैं अभी नहीं आया एंसिबल पे, बस मैं एक माइंड सेट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग जो काम करता है प्रीवियस जो टोपोलॉजी है जो हमारा था ऐसे करते हुए अभी भी हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे लिनक्स एडमिन इनके पास जो यूजर आईडी है, यहाँ पे यूजर आईडी की मॉड्यूल ही है बना हुआ, पहले से प्री डिफाइंड मॉड्यूल है ना, सिंपल सी बात है। जहाँ पे आप लोग यहाँ से भी यम से पैकेज इंस्टॉल करते हैं, यहाँ भी यम नाम का मॉड्यूल है। यहाँ पे आप लोग जो कमांड चलाते थे फायरबॉल से पैक फायरबॉल में एडिट करते हैं, यहाँ भी फायरबॉल का मॉड्यूल है। मतलब ऐसा मान लीजिए, देखो बोलते ना क्या, तो उसमें एपीटी गेट होगा, क्योंकि दो देखो दो आरपीएम होते हैं। देखो जो रेड हेड का है ना, जो उनका जो पैकेट है ना वो RPM बेस है, और ना डेबियन बेस में अलग होते हैं। डेबियन जो वंतु आता है ना, जैसे अवंतु हो गया और ना फेडोरा वगैरह हो गया, ये डेबियन बेस है, तो डेबियन में एप्लीकेट चलते हैं। हाँ तो ये काम करना, तो तुमको जवाब देना चाहिए थी एपीटी की। देखो बाय डिफॉल्ट अगर लिनक्स का सर्वर है, जैसे RCL का सर्वर है, समझते हो, तो उसमें पहले से यम के यूटिलिटी होती ही होती है, पता है आपको। तो तो देखो एक मिनट, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया कि तुम्हें पता नहीं कि ओएस नहीं क्या है, लेकिन अब तक मैनुअली चीज़ें में क्या हो रहा था कि डेबियन बेस में है तो एपीटी गेट से होता था, और लिनक्स बेस RCL होता था तो यम चलते थे। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर इन केस में इनके पास में एक पैकेज नाम का मॉड्यूल है, OS कोई भी हो डिपेंड नहीं करता, फिर चला दो तो ये मॉड्यूल है, बस समझ में आई क्वेश्चन। हाँ तो देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ना आपको तीन टाइप के पैकेज जब एंसिबल में पढ़ोगे ना मॉड्यूल, तो तीन है, एक यम है, एक पैकेज नाम के भी मॉड्यूल है, और एक एपीटी गेट करके है। देखो यहाँ पे इन्हों तीनों क्यों डाला मॉड्यूल, रीजन बता रहा हूँ कि जो पहले से डेबियन बेस की पे काम कर रहे हैं, वंतु पे काम कर रहे तो ये मॉड्यूल से चला लेगा, या कोई RCL मशीन पे काम कर रहा होगा तो उसको पता है कि RPM क्या है, यम क्या है। RCL 8 में इसको DNF बोल दिया गया, अभी 7 में हम लोग यम यूज करते हुए आ रहे थे। लेकिन जिसको दोनों का ही पता नहीं है तो फिर पैकेज वाले से करो डायरेक्ट इंस्टॉल, छोड़ो, समझ में आई क्वेश्चन, छोड़ो, तुम्हें भी नहीं पता वंतु में अपग्रेड क्या होता है, यम क्या होता है, तो पैकेज वाले मॉड्यूल से, मेरी मॉड्यूल से करोगे, ठीक है, समझ में आई बात है। इतना तो ओवर व्यू लगे, क्लियर हुआ सर। तो ये भी मैं से एक माइंड सेट कर रहा हूँ, अभी मैं एंसिबल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको, बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हम लोग ऐसे काम करते आ रहे थे विदाउट एंसिबल की यूज करते हुए, अचानक ऐसा क्या हुआ कि एंसिबल की नीड ज़्यादा हो गई मार्केट में, इससे पहले पपट भी थे, सैफ वगैरह भी थे, है ना, तो अचानक क्या हुआ कि एंसिबल पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन एंसिबल भी यूज करने लगी, है ना, इससे पहले पपट भी था, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा, सही भी था, है ना, अचानक चीज़ें अचानक इस पर क्या हुआ कि मार्केट पूरा एंसिबल भी बूम, एंसिबल बूम हो गया पूरा, है ना, पूरा पूरा एंसिबल ही, है ना, ठीक है, चले आगे। देखो एंसिबल आने से क्या हुआ,
मेरी बात सुनो, एनसी लाने से क्या होगा, इसी की प्रोफाइल में, फिर इसी प्रोफाइल में ऑटोमेशन ला दिया गया, जहाँ पे इसको जो बोलते हैं, इसको इनकी प्रोफाइल में एड ऑन कर दिया गया, अलग से नहीं बनता है, यही है बस उनके प्रोफाइल में एक और टूल्स, मतलब बोलो कि टूल्स, डेवॉप्स इंजीनियर ऐसे ही निकल के आए हैं, ऐसे ही निकले हैं, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल में ये सब टूल ऐड किया गया, डॉकर डाला गया, कुबरनेटीज डाला गया, जेनकिस डाला गया, उसको डेवॉप्स में कन्वर्ट किया गया, टूल्स एड ऑन कर करके, तो उसके प्रोफाइल में एक एनसी वाला डाला गया, बताओ ऑटोमेशन के यूज करते हैं, पूछो। नहीं, देखो एक चीज़ में, नहीं ये देखो, इसमें भी दो अलग अलग पार्ट, एक जो हमेशा दो चीज़ ध्यान में रिकमेंड में, डेवलपमेंट चीज़ अलग है और सिस्टम एडमिन जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है ना वो अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेटर रोल क्या होता है, वीएम क्रिएट करना, उसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, उसकी मेंटेनेंस करना, ट्रबल शूटिंग करना, ये सब रोल होता है ना, पैचिंग करना, बैकअप लेना। डेवलपर रोल अलग होता है, डेवलपर का रोल ही अलग होता है, डेवलपर का रोल होता है जो ना कोड को बस वो राइट करता है, बस दैट्स इट। देखो अगर मेरे से अगर डेवॉप्स इंजीनियर की बात करूँ तो डेवॉप्स को भी ना कैटराइज किया गया तीन में है। डेवॉप्स सिस्टम इंजीनियर अलग है, जो हम लोग है ना, जो आप जो बात कर रहे हैं, जो आपका वर्क रोल ये सब आप डेवॉप्स इंजीनियर में आएंगे। डेवॉप्स सिस्टम इंजीनियर जो डेवॉप्स डेवलपर होता है ना वो अलग होता है, फिर डेवॉप्स सिक्योरिटी अलग, इसको भी डिफाइन किया गया इस प्रोफाइल में भी, जैसे तुमने देखा होगा कि डेवॉप्स का सिस्टम एडमिन अलग होता था, जो जेवॉप्स वगैरह का डेवलपर अलग होता था, तुमने देखा होगा, तो उनके डेवलपर अलग होते थे, और मॉनिटरिंग टीम अलग होते थे। देखो डेवलपर छोड़ दे, डेवॉप सिस्टम इंजीनियर की डिमांडेड ज़्यादा है, सिस्टम इंजीनियर या इसी को डेवॉप्स इंजीनियर भी बोलते हैं यार, डेवॉप्स इंजीनियर बोलने से इसके अंदर देखो, इस इंजीनियर डेवॉप्स इंजीनियर के अंदर वीएम प्रोविजनिंग का भी स्किल है, इनके पास ऑटोमेशन की भी स्किल है। अब तक हम लोग जो वीएम कर रहे थे फिजिकली हम लोग प्रोविजन कर रहे थे, फिर उसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने लगे हाइपरवाइजर के ऊपर, जो एक्सरसाइज सर्वर हम लोग यूज करते हैं, जो वीएमवेयर का आपको पता है, बेयर मेटल वगैरह यूज करते हैं, फिर उसके बाद फिर आ गया कि हम लोग नहीं वीएम ना यूज करके फिर हम लोग कंटेनर यूज करने लगे। देखो एक चीज़ बताऊँ, जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल था ना, वो भले वीएम वर्चुअल मशीन के ऊपर वीएम क्रिएट करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो, या AWS पे EC2 लेकर उसे EC2 लॉन्च करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो, या कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चलाना, वो जॉब रोल्स वही है, वो बंदा जहीं भी चला जाए प्लेटफॉर्म पे, उसका वो रोल ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा एक मेरे क्वेश्चन बताओ, देखो जो उसका जो जॉब रोल जो था ना, वो टास्क ख़त्म नहीं हुआ, वो वही कर रहा है अभी भी। अच्छा बताओ क्लाउड पे जाके क्या करते हो, EC2 इंस्टॉल लॉन्च करते हो ना, सर्वरलेस कंप्यूटिंग आ रही है, यही कहोगे ना कि सीधे, हाँ है ना सर, कोई नहीं। हाँ तो सर देखो ये आप ये कहो कि सर टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, जॉब रूल्स आपका जो प्रोफाइल है वही, अगर सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या वहाँ पे एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है बैकेंड में? एक बात बताओ, जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग की क्या बैकेंड आर्किटेक्चर वो किसी OS के ऊपर जाकर नहीं चल रही है, पहले बताइए। हाँ वो चीज़ हमें कहिए कि नहीं देखना है ना, तो इस वाला जो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल था क्यों कन्वर्ट किया लाया गया, मार्केट में डेवॉप्स का डिमांड क्यों हुई अगर आप लॉजिकली समझोगे इस चीज़ को ना, क्यों हुई सोचिए, ये बंदा मैनुअली बैठ कर वीएम क्रिएट कर रहा है, वीएम को मैनेज कर रहा है, वीएम को मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि वीएम को मॉनिटरिंग करना, हाई अवेलेबिलिटी भी देख रहा है ना, कि वीएम को ऊपर एप्लीकेशन चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग बैठा हुआ है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर कर रहा है कि वीएम डाउन ना हो जाए तो एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, बैठे हो रात में, मैं तो रात में बहुत झेला हूँ ऐसी रात चीज़ों के, झेले आपने आप कभी झेले ऐसी चीज़ें फेसेस सर अच्छी सर कि वीएम की अलग से देखो है ना कि एप्लीकेशन ना डाउन जाओ, हाई अवेलेबिलिटी देखो, चलो ठीक है अगर किसी वीएम के ऊपर एप्लीकेशन डेटाबेस चल रहा है तो उसकी बैकअप ले लो, और स्टोरेज की साइज ख़त्म हो गया एक्सटेंड करो है ना, वो डिपेंड करता है कि वर्चुअली है डिस्क है स्टोरेज है क्या है ना, तो ये रोल तो करते ही आ रहे थे है ना।
आपको ये समझो कि आपके लिए एनसीबल बहुत बेनिफिट है क्या, बहुत अच्छा है रीजन वाइज आप पूछोगे ना, क्योंकि तुम लोग के काम को मैनुअली करते हैं ना, तो एनसीबल को बहुत अच्छे से समझोगे। ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि हम लोग मैनुअली इतना झिलाए इतने की है ना, तो ये एक फ़ायदा हो गया है ना कि हमें हमारी मतलब जो बैकएंड मतलब जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे जो काम करने का था ना, अब जो न्यू टेक्नोलॉजी पे मूव कर रहे हैं ना, तो हमें स्टार्टिंग से के एंड अभी पता है ना। यस सर बताइए। सर मैं वो भी प्लेबुक पे मत आओ, अभी थोड़ी सी अलग है, इसमें भी टाइप करने के अलग अलग, जहाँ पे यहाँ पे जैसे लिनक्स में मैनुअली कमांड चलाते हैं जैसे कमांड, वहाँ पे भी कमांड चला सकते हो एडॉप के थ्रू कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग बोला जाता है वहाँ पे प्लेबुक बोलता है। हाँ तो निंजा टेम्पलेट है क्या, डेवलपर क्या करते हैं ये कोड लिख देते हैं, बाकी टेम्पलेट पहले से डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ टेम्पलेट करता है क्या, पहले बताइए। तो वो टॉपिक पे ना आए, अभी हम टॉपिक पे आएंगे है ना, हम जब इसको मॉड्यूल को कवर करेंगे फिर हम टेम्पलेट पे भी एपी आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है गए, नहीं सर मैं पूरा बुक फॉलो करूँगा एनसीबल की, मैं ऐसे नहीं कि टॉपिक खुद को उठा के पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पूरे यहाँ पे फॉलो करूँगा। यहाँ पे आपका रोल्स वेरिएबल ये पूरी जो भी एनसीबल है यहाँ पे आपको डिलीवर किया जाएगा, वो पूरा रियल सिनेरियो बेस पे होंगे, पूरा लाइव इंफ्रा बेस होंगे, पूरा बीएम के ऊपर एप्लीकेशन डालना, बीएम के ऊपर पैचिंग करना, बीएम के ऊपर एप्लीकेशन डालना, फायरवॉल में बीएम के ऊपर बहुत सारे बीएम में अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग नेटवर्क पे वेस्ट बीएम के ऊपर एप्लीकेशन को डालना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, मॉनिटरिंग करना, उसकी बैकअप लेना, सब कुछ मैं कराऊंगा। फिर इसके रोल्स के बारे में भी यहाँ पे, अब तो बीएम किसी का यूज कर लो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मशीन तो चाहिए, मतलब वीएम ही तो चाहिए, आप EC2 पे एनसीबल सेटअप कर लो या तो वीएम के ऊपर कर लो, वर्चुअल मशीन के ऊपर कर लो। हाँ जी हाँ जी, मैं अपनी जो क्योंकि एनसीबल जो अभी भी देखो एनसीबल आप कहीं भी सेटअप कर सकते हो, या तो वीएम मेरे के अंदर भी कर लो है ना, वर्चुअल मशीन के अंदर भी अपनी एनसीबल कर लो, या तो EC2 पे एक मास्टर नोड बना लो। मैं आऊँगा आर्किटेक्चर कैसे सेटअप करना है वो फिर मैं बताऊँ, तो मैं मेरा पर्पज़ है ना कि मैं तुम्हें क्लाउड पे ही लेके चलूँ, क्योंकि लाइव इंफ्रा भी यही चल रही है कि तुम्हें एक लाइव, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिले है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि, तो आता हूँ टॉपिक में है ना, अब समझ में आ रही बात है यहाँ पे सर। तो एनसीबल आपका थोड़ा सा डिमांडेड भी है, बहुत है ना। देखो अब आप पूछोगे सर कि एनसीबल वर्क कैसे करता है, अब देखो अब उसके ऊपर आते हैं, उसके बाद में आऊँगा सर कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल क्या होता है और ये क्या होते हैं है ना, कि एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल क्यों ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल बोला जाता है, क्योंकि एनसीबल भी दो है, एक तो CLI बेस पे इनका GUI भी है जिसका एनसीबल एक टावर भी है, जिनके पास CLI की नॉलेज नहीं है ना तो वो एनसीबल टावर के थ्रू काम करेगी है ना, बेसिक करवा दूंगा उसकी ट्रेनिंग अलग है GUI की। अगर मैं ये बात करता हूँ ये तो स्क्रिप्टिंग वाला था, समझ में आ गया, ये अब तक जो करते आ रहे थे ना ये स्क्रिप्टिंग का, ठीक है, ये आपका स्क्रिप्टिंग कर रहा है। देखो एनसीबल आने से हम लोग एनसीबल आने से हमें फ़ायदा क्या हो गया, देखिए आप सपोज समझिए कि मेरी सेविंग बंदा बैठा हुआ है ना, और अपने नोड के ऊपर उसने क्या किया, यहाँ पे एनसीबल डाला हुआ है, एनसीबल की अपनी कोई सर्विस वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई सर्विस वगैरह अपनी नहीं है, और इसके ऊपर एनसीबल डाल दिया, सपोज सर्वर के ऊपर एनसीबल डाल दिया, इसको मास्टर नोड भी बोल सकते हो, रिज्यूम कीजिए, ये मास्टर नोड या कंट्रोलर नोड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मास्टर ही बोल देते हैं, एनसीबल का मास्टर नोड है ऐसा मान समझिए, ठीक है, और रिज्यूम कि ये तुम्हारा क्लाइंट नोड है जिसके ऊपर टास्क को ऑटोमेट करना है, रिज्यूम कीजिए है ना। तो यहाँ पे
हेलो सर, आपको ऑडियो मेरी आ रही है क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना जैसे वहाँ पे स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, यहाँ पे प्ले बुक बोलते हो सपोज, तो सपोज यहाँ पे ना पैकेज डॉट बाई ईमेल, इसका एक्सटेंशन बताऊँगा कैसे हो क्या होता है अभी उस पर उतना नहीं जा रहा, तो सपोज बाई ईमेल होता है ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सिर्फ ये डिफाइन किया जाता है मॉड्यूल, ठीक है, बस मॉड्यूल लिखा जाता है और उसका नेम लिखा जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और स्टेट बताया जाता है जैसे पैकेज का नेम क्या है, सब यह नेम सपोज कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, सब कुछ में HTTPD इंस्टॉल करना है ना, और सपोज स्टेट बता दो, तो इसमें स्टेट है ना कुछ इस तरह जैसे इंस्टॉल हो गया बस इतने, है ना। और यही चीज़ें बस स्क्रिप्टिंग में लिखते थे ना तो बहुत बड़ा हो जाता था, अगर स्क्रिप्टिंग के जो कंपेयर देखोगे ना तो बहुत बड़ा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था। और एक चीज़ बात और होता था, अगर स्क्रिप्टिंग में मेरे पूछोगे ना एक उसके साथ अगर एक और इशू, सपोज कोई लिनक्स एडमिन का बंदा कोई यहाँ पे जॉब कर रहा है, वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अगर दूसरा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बंदा आता था ना तो वो स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाता था क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता था, ये मसला था। लेकिन इंसिबल में मसला नहीं क्योंकि मॉड्यूल पहले प्री डिफाइंड है, अगला वाला भी तो इंसिबल की स्किल उसके पास है, वो कर देगा। हाँ जी हाँ, वो बहुत बड़ा मसला होता था वो। हाँ जी, कैसे लोग सब चीज़ें ना, तो थोड़ा सा मसला था। तो इसमें क्या तो सिंपल सी बताओ, आपके पास तो मॉड्यूल को तो आइडिया ना कि क्या है मॉड्यूल डाल के टास्क चला रहा है, आप ये बताइए तो फिर तो आपको पता लग जाएगा ना, जैसे यूजर बनाने वो तो बाहर की बात है। देखो वेरिएबल के वो अलग कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल के जरूरी नहीं कि प्ले बुक में डालने में उस फाइल को जो रेफरेंस कहीं और से कॉल करा रहा हूँ वेरिएबल, मैंने वो आऊँगा मैं इसमें, वो तो एक अलग चीज़ हो गई फिर, है ना, है ना, है ना, वो वेरिएबल वगैरह पे आएंगे क्योंकि हम लोग कभी भी प्ले बुक के अंदर हम लोग यहाँ पे ना खाली उसको वेरिएबल डिफाइंड करते, बाकी जो उसका जो जहाँ से वेरिएबल के अंदर जो डिफाइंड करना होता ना वो किसी कहीं का फाइल कहीं और होता है, एज ए उस फाइल को हम रेफरेंस भी कॉल करते, तो है अभी वेट करो सर, अभी ये तो टॉपिक का पार्ट है ठीक है, इसमें वो लूप भी पढ़ाया जाएगा आपको, लूप भी है इसमें। बताऊंगा देखो इनके भी दो है, एक तो ये तो देखो प्री डिफाइंड एक मॉड्यूल पहले से भी है, एक तो होती है कि अपना कोई कस्टम मॉड्यूल बना, आपके पास कोई पाइथन डेवलपर या कोई डेवलपर बैठा रूबी डेवलपर तो मॉड्यूल लिखवा लो कस्टम मॉड्यूल बनवा लो, या तो फिर या तो जो हम लोग देखो ये वाला जो इंसिबल जो हम लोग लर्न कर रहे हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर बंदा जो लिनक्स से बैठकर स्क्रिप्ट से बैठकर जो काम कर रहा था ना वही टास्क को कर रहे हैं, क्या क्या करना है, यूजर बनाना, क्रिएट बनाना, एप्लीकेशन डालना, एप्लीकेशन की सर्विस स्टार्ट कर देना, स्टॉप कर देना, पैचिंग कर लेना, स्टोरेज क्रिएट कर देना, पार्टीशन क्रिएट कर देना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, रोल क्रिएट कर देना, जिंटा टेम्पलेट के थ्रू पुश करवा देना उसको, तो बहुत चीज़ें हैं। देखो बहुत सारे टॉपिक है सर इसमें, अब जब टॉपिक पे बैठोगे तो एक एक टॉपिक एक मॉड्यूल कहीं मैं दो दो घंटे कवर करा दूंगा, इतनी एग्जांपल दूंगा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ना एडमिनिस्ट्रेटर बंदा के प्रोफाइल में एक ऑटोमेशन डालेगा, वो बंदा क्या करता था, एनसीबल का जो आर्किटेक्चर है ना वो एक्चुअली ना एक तो पैरेलली काम करता है, पैरेलली के मतलब क्या है कि एट ए टाइम अगर 100 नोड है 100 नोड के ऊपर पुश करेगा, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है ना ये पुश मेथड पे काम करता है ये एक तो, ठीक है ठीक है। और दूसरी बात इसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना वो SSH के थ्रू काम करता है, इसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना वो SSH पे ये वर्क करता है। हाँ जी हाँ, विंडोज पे भी करना है तो RDP करोगे है ना, तो एनसीबल जरूरी नहीं कि लिनक्स में, विंडोज पे सब पे चलता है, एनसीबल फायरवॉल स्विच कॉन्फ़िगर सब पे चलते हैं, मैं आऊँगा उस पे क्लाउड पे भी चलते हैं, है ना, अलग अलग है ठीक है। और दूसरा कि ये एजेंट लेस है, जबकि पपट वगैरह ना एजेंट जबकि पपट था ना और एजेंट बेस्ड होते थे वो सब। किस है
तो वहाँ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस की सीक्रेट की भी तो तुम्हें डिफाइंड करना पड़ेगा ना केडियन सर। केडियन उसमें जो हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक इन्वेंट्री यूज करते हैं, अगर AWS EC2 के ऊपर हमें ये ऑटोमेशन करनी है EC2 के ऊपर कि मैं चाहता हूँ EC2 क्रिएट हो जाए या EC2 स्टार्ट कर दूँ या स्टॉप कर दूँ या EBS वॉल्यूम कर दूँ, तो वहाँ पे ना ऐसे मेटर नहीं है, वहाँ पे डायनेमिक इन्वेंट्री को यूज किया जाता है। और उसमें भी क्या है कि देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, AWS के अकाउंट पे ऑथेंटिकेशन लेगा तो उसमें भी हमें जो AWS के अकाउंट का आपका जो एक्सेस की सीक्रेट की होता है या तो कोई रोल बना लो, जैसे AWS में लोग क्या करते हैं कोई IAM यूजर बना लेते हैं उसका एक्सेस की सीक्रेट की हम डिफाइन कर देते हैं, या तो रूट की एक्सेस सीक्रेट की डिफाइन कर दो उस पर लेबू के अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहले टास्क कब चलेगा, पहले तो ऑथेंटिकेशन लेगा तभी तो चलेगा ना, पहले बताइए वो कब चलेगा, पहले बताइए फर्स्ट तो पहले ऑथेंटिकेशन होगा ना। तो यहाँ भी ऐसी चीज है कि फर्स्ट टाइम जब हम इंसिबल मास्टर से बैठकर टास्क करते हैं तो पहले हमारा ऑथेंटिकेशन होता है फिर चलता है ना। तो इंसिबल से बैठकर ऑथेंटिकेशन डिपेंड करता है कि ऑथेंटिकेशन किस टाइप से कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं या तो एजेंट, इसमें भी ऑथेंटिकेशन मेथड टू टाइप है, ना इसमें भी दो टाइप के ऑथेंटिकेशन है, एक तो आपका यूजर नेम पासवर्ड बेस हो गया या तो एक बार या की बेस होते हैं जिसको बोलते हैं पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन, आप कंपनी के ऑथेंटिकेशन कैसे कर रहे हो, है ना इसमें भी आप कैसे ऑथेंटिकेशन कर रहे हो। देखो यहाँ पे देखो ये हमेशा पुश पे काम करता है, इसका जो टेक्निक है ना एनसीवर का जो वर्किंग वे है हमेशा पुश मेथड पे काम करता है ये, ठीक है। इसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो SSH है, और ये जेंटलेस का मतलब क्या होता है कि हमें क्लाइंट साइड पे ना जहाँ पे ये आप टास्क जो भी टास्क करवाना चाहते हैं यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं होगी, है ना। और दूसरी बात जो एनसीबल मास्टर नोड है वो क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन रखेगा, क्लाइंट नोड मास्टर का इन्फॉर्मेशन अपने पास कुछ नहीं रखेगा। यहाँ पे हाँ है ना पाइथन होनी चाहिए क्योंकि जो एनसीबल का मॉड्यूल है ना सब पाइथन में लिखी गई है, अगर 6 कम से कम 2.6 तक होना चाहिए। हाँ जी ठीक है, नहीं जो नहीं लेकिन ये बताता हूँ जो RCA जो NCL है ना जो RCA 6 से सपोर्ट करता है। हाँ उसके बाद ऊपर जितने भी हो 6.2 7 7 8 जो भी है उसके बाद पाइथन वगैरह सब ठीक है, क्योंकि जो मॉड्यूल चल रहा है ना, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर पूछो कैसा है सर तो मैं थोड़ा और उसको आर्किटेक्चर भी बताऊंगा कि एक्चुअली मॉड्यूल कॉल कैसे होता है मैं बताऊंगा। मॉड्यूल जो लिखा हुआ है एक तरह से एक समझो काइंड ऑफ एक प्रोग्रामिंग है जो मॉड्यूल में पूरा चीज़ पहले से डिफाइंड है, ठीक है। एक तो पुश मेथड पे काम करता है वो, और इसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है SSH पे काम करता है, और ये एजेंट लेंस है, ऑथेंटिकेशन डिपेंड करता है आप कैसा ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं कि वन टाइम अगर कोई टास्क चलवानी है तो यूजर नेम क्लाइंट नोड का जितने बार टास्क चलाओगे उतनी बार आप बताओ, है ना, क्लियर है, वो डिपेंड करता है, क्लियर है सर। बट इसमें यह है कि हम एनसीबल मास्टर क्लाइंट नोड का पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, मतलब कि उसके पास पूरी होगी कि इसकी IP क्या है, क्योंकि देखो जब भी ये टास्क को पुश करेगा तो इसके पास IP के इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। वो बात तो अगर बताओ वो पढ़ता का इन्वेंट्री के अंदर ही तो पढ़ता है, अभी उस पर मैं कहाँ आया हूँ, क्योंकि एनसीबल मास्टर अपने नोड में सपोज इतने नोड के ऊपर चलानी है तो अपनी इन्वेंट्री में तो इन्फॉर्मेशन रखता है ना कि जिसके ऊपर टास्क चलना है, जिस टास्क के ऊपर चलना होता है उसकी इन्वेंट्री तो पहले इन्वेंट्री के अंदर ही पढ़ता है ना, देखो सिर्फ मेरी बात सुनो, सपोज जो तुम इन्वेंट्री लिखा हम तो प्ले बुक में भी तो डिफाइन करते हैं ना कि ये इस टाइप का होस्ट पे चलाने वहाँ भी तो पड़ता है ना, डिफाइन करना पड़ता है ना हमें अभी इन्वेंट्री के अंदर, मान लो भले 100 नोड है उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे 100 में भी 2 चलानी है तो ये प्ले बुक डालते टाइम भी हम लोग डिफाइन करते हैं ना, या तो हम लोग एक्चुअली क्या इन्वेंट्री डिजाइन कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं सपोज मान लो वेब सर्वर का नोड अलग है, डेटाबेस सर्वर का नोड अलग है, एप्लीकेशन का, तो हम क्या करते हैं इन्वेंट्री के अंदर ग्रुप बना लेते हैं, अगर वेब सर्वर का 10 नोड है ना तो उसमें हम 10 नोड की वो बता देते हैं कि ये 10 नोड उसकी IP, डेटाबेस में अगर 50 नोड है तो 50 नोड की डेटाबेस नाम के ग्रुप बना लिया उसके अंदर 50 ये डाल दिया,
तो जब मैं प्ले बुक में डिफाइन करूँगा तो पूरी इन्वेंट्री नहीं डिफाइन करूँगा, सिर्फ बेब वाला ही डिफाइन करूँगा कि ये 10 पे चल जाए। उसमें भी ये और भी ऑप्शन होता है कि नहीं 10 वाले वेब सर्वर पे नहीं 2 पे ही चलाना, तो वो भी चीज़ मैं कर सकता। इन्वेंट्री एक बार ही आर्किटेक्चर किए जाते हैं, बाकी जब तुम टास्क उसको यूज कैसे करोगे, उसको प्ले बुक के अंदर कॉल कैसे कराते हो, फिर इन्वेंट्री के अंदर बार बार यहाँ पे रोज आके आईपी चेंज नहीं की जाती है क्लाइंट की, कि रोज आके चीज़ें चेंज हो रही है। बातें समझ में आ रही है? वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि रोज आके तुम चेंज ही कर रहे हो। डायनेमिक ये क्लाउड में होता है ना कि पब्लिक आईपी रोज चेंज हो रही है, लेकिन जब भी ऑन प्रमिसेस की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्टैटिक आईपी होते हैं, फिक्स आईपी होते हैं। अगर बताओ कि अगर रोज बंदा आए 100 के ऊपर रोज 100 ऑटोमेशन करना, बंदा आकर रोज आईपी ही सेट कर रहा है, तो टाइमिंग तो ज़्यादा हो गया ना। फिर क्या मतलब हुआ इंटरमेशन का, कि बंदा पहले आ रहा है 100 मशीन का, पहले चीज़ों को आईपी सेट कर रहा है, मशीन पे आ रहा है, 100 मशीन का बीएम सेट कर रहा है, पिंग कर रहा है, फिर बताइए। क्लियर होगा पॉइंट सर, समझ में आई बात है? तो इंसिपल की ये है, एक तो पैरेलली ये काम करता है। पैरेलली का मतलब क्या कि अगर 100 नोट के एट ए टाइम पुश करेगा, सोचो कि एट ए टाइम उसने 5 मिनट लग रहा है 100 नोट के ऊपर काम करने पे, ऐसा समझिए। अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट साइड पे कॉन्फ़िगरेशन जो है ना तुम्हारा क्लाइंट मशीन, वो इस पर डिपेंड करता है आर्किटेक्चर क्या है, उस पर थोड़ा स्लो हो सकता है किसी में हो सकता है, लेकिन सोचो 5 मिनट में 100 नोट के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है पैरेलली, मतलब एक साथ पूरे 100 नोट के ऊपर पुश करेगा। तो सोचो जहाँ पे 500 लग रहे थे यहाँ पे 5 मिनट लग रहे हैं, तो स्मार्ट भी है या ना सर, बताइए। स्मार्ट भी है ना आपका, ऐसा नहीं कि सिक्योर नहीं, सिक्योर है, पूरे सिक्योर है क्या। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो बाय डिफॉल्ट उन्हें मेंशन कर रखा है कि तुम्हारा 5 नोट पे होगा बाय डिफॉल्ट। उनका जो इंसिएबल सीएफजी फाइल होता है ना, तो उसमें फॉर का पहले से रिफाइंड है तुम्हारा, तो तुम बढ़ा भी सकते हो ना। हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसे बाय डिफॉल्ट ही होता है। और दूसरी बात ये देखो हाँ बिल्कुल। जब फोर को बढ़ाओगे तो जो मास्टर नोड का जो फिजिकल रिसोर्स है सीपीयू रूम, उस पर भी लोड पड़ेगा फिर, तो वो भी रिसोर्स तुम्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा फिर, तो है ना। और तुम्हें भी बात पता है कि जब हम क्लाइंट नोड के करते हैं जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट SSH 22 पोर्ट पे चलता है, हम वो भी नहीं करते, वहाँ भी हम कस्टम लेते हैं। इसमें एक आर्किटेक्चर और होता है जिसे वेब ग्रुप का ना एक ही यूजर ने पासवर्ड रखते हैं, हमेशा आपको पता है जब भी ऑटोमेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नोड का आईपी कुछ और है, कुछ का यूजर नेम कुछ और है, पासवर्ड, ये भी केस हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि वेब सर्वर अगर 10 नोड है, वेब सर्वर के ऊपर 10 वेब सर्वर को हमें काम करनी है, तो जरूरी नहीं कि सबका संयम सेम हो सकता है। 5 वेब सर्वर का अलग नाम हो, उसका पासवर्ड वेरिफिकेशन अलग, ये भी केस हो सकता है ना। लेकिन जहाँ तक ऑन प्रमिसेस की बात करो, जहाँ तक वो अगर कोई ग्रुप में कोई मशीन है तो वहाँ तक वो सेम ही नेम रखते हैं। लेकिन कभी ये भी एक रेयर केस होता है, ये भी मैं बताऊँ क्योंकि इस चीज़ में फेस किया हूँ और करता हूँ, इसलिए ये भी हो सकता है। जैसे वेब सर्वर में XYZ नाम है 10 मशीन का, दूसरे वाले का ABC भी हो सकता है, उसी ग्रुप के अंदर रखे हुए मशीन के भी। जैसे मान लो कि दो मशीन है, ये दो मशीन का मान लो ये वेब सर्वर की ग्रुप है, सपोज मान लो ये वेब सर्वर की एक मैंने एक ग्रुप है, उसके अंदर 10 मशीन है, ऐसे मान लो ये है ना ऐसा मान लो कि इस ग्रुप के अंदर 10 मशीन है, और 10 मशीन का जो नेम है ना कुछ ऐसे XYZ है, और इसकी XYZ है, तो चलो ठीक ऑटोमेशन कर दो, वेब पे चला दो, लेकिन इसी के अंदर कुछ मशीन के नाम ना ABC है, और इसके ABC है, फिर इसके इसमें इस दोनों का ऑथेंटिकेशन पासवर्ड भी अलग अलग है। तो ये चीज़ भी ना हम इन्वेंट्री में भी डिफाइन कर सकते हैं ये चीज़ें। हाँ ये भी चीज़ें, ये सब चीज़ में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर किसी मशीन का ऑथेंटिकेशन नेम या पासवर्ड नेम कोई और है तो कोई नहीं, वो भी डिफाइंड कर दो, ये चीज़ हमारे पास भी ऑप्शन होता है, समझ गया। तो बहुत सोल्यूशन है सर, आप इतनी आप एक्सपीरियंस इसमें, मैं पता है बिगनर लेवल पे आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि पूरे आर्किटेक्चर से, क्योंकि मुझे पता लगे जब बंदा 12,000, इसलिए मैं उसी चीज़ पर डील कर रहा हूँ आपसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सीधे पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ मैं आपसे, समझ में आया सर। तो इसमें ऐसे भी केस हो सकता है ना, या हम लोग एक काम और करते होंगे
कि तुमने देखा होगा, देखे होंगे जो इन्वेंट्री को भी, जो हम वोल्ट का यूज करते हैं, देखे ना आपने, तो हम ये भी चीज़ें कर सकते हैं कि मैंने जो आईपी का है या यूजर का इन्फॉर्मेशन मैंने इन्वेंट्री में रख दिया और पासवर्ड कहीं और पे रख दिया, वो भी ऐसे भी होती है वो ऐसी है। तो बाद में क्या करते हैं कि इन्वेंट्री डिफाइन करते हैं अपना, जो वोल्ट वाले जो ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड है ना उसको कॉल भी कर लेते हैं, टास्क चला देते हैं, ये भी है चीज़ें, है ना, क्लियर है। इसमें आपको मैंने क्या बोला, पुश है और SSH पे काम करता है, जेंटलेस है, ये ऑथेंटिकेशन हम कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन है, की बेस भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे की बेस भी कर सकते हैं, क्लियर है, हम इसे की बेस भी कर सकते हैं। एनसीबल आने से ना, देखो एनसीबल आने से देखो, अगर लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प मिला ही मिला, और राउटर नेटवर्क स्विच फायरवॉल वगैरह वही बंदे वो भी करने लगे, मैनुअली ना VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर करके एनसीबल यूज करने लगे, क्लाउड वाला बंदा भी वही करने लगा कि मैनुअली ना क्रिएट करके EC2 एनसीबल स्विच यूज करने लगा, है ना, वो भी क्या करने लगा, उससे करने लगा, VMware वाला भी यूज करने लगे कि वहाँ पे भी ना करके उससे यूज करने लगे। आपने देखा होगा कि OpenStack वगैरह में भी एनसीबल यूज करने लगे हम लोग, है ना, मतलब हर इंफ्रा में ये सेट हो गया, नेटवर्क इंजीनियर के साथ भी और जो क्लाउड एडमिन है उनके साथ भी। हाँ जी। लेकिन जो एनसीबल को जो बनाया गया था ना, ये कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या था, अब इस पे टर्मिनोलॉजी पे आता, देखो नेगियोस भी तो ऑटोमेशन टूल है या नहीं है पहले बताइए, नेगियोस है तो सुनो, हाँ लेकिन वो भी तो ऑटोमेशन टूल के अंदर ही काउंट है, वो है तो मॉनिटरिंग टूल, वो भी ऑटोमेशन में ही आता है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि वो भी तो बहुत सारे मशीन को तो मॉनिटरिंग कर रहा है ना, CPU यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशन, सब चीज़ें तो देख रहा है ना, वो भी तो ऑटोमेशन ही कर रहा बैठ गया है, मॉनिटरिंग तो कर रहा है वो भी। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि ना अक्षत आप ऐसा करो कि 100 नोड के ऊपर ना नेगियोस डाल दो, तो ये क्या हो गया आपका, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा OS लेयर के ऊपर काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यूजर ऐड करना, फाइल क्रिएट करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना, स्टॉप कर देना, स्टोरेज क्रिएट कर देना, ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अगर लेम लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जो बोलते हैं देसी लैंग्वेज, उसमें सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता कि हम एनसीबल के थ्रू किसी हार्डवेयर के ऊपर VM डाल दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा है तो बताओ पॉसिबिलिटी, जो एनसीबल वर्क करता है हमेशा OS कॉन्फ़िगरेशन को मैनेजमेंट के मतलब हमेशा OS लेयर के ऊपर वर्क करेगा, कि वो OS पे होने वाला टास्क बताओ, यूजर क्रिएट कर दो, फाइल क्रिएट कर दो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो। हाँ जी, आप ऐसा समझो कि 10 कंटेनर चला है, 10 कंटेनर के ऊपर तुम्हें PHP या MySQL डालनी है, तो वहाँ पे हम एनसीबल में डिफाइन कर दिए कंटेनर की इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल डाल दिए और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा, तो एनसीबल फिट है, मतलब पूरे मान के चलो। लेकिन जो तुमने बात टेराफॉर्म का किया था, टेराफॉर्म को ना स्पेशली क्लाउड के लिए बनाया, जब एनसीबल को डिजाइन किया गया था उसको इसलिए नहीं डिजाइन किया गया था क्लाउड के, नहीं वो मेरी बात सुनो, जो एनसीबल को जो डिजाइन किया गया, जो बनाया गया था ना, तो एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल होते थे ना कि मैनुअली चीज़ों को करना, वो चीज़ उनके ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाया गया था, वो तो बाद में डाउन करते गया अलग अलग इंजीनियर के, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी, मतलब कि नेटवर्क वाले के लिए भी, क्लाउड वाले के लिए भी, VMware वाले के, उन्होंने और चीज़ डाउन करता चल गया, लेकिन रियलिटी में अगर उनको जो बनाया गया था ना उनके लिए बनाया गया था, उसके लिए डिजाइन किया गया था, एनसीबल को पर्पज उसके लिए नहीं बनाया था, बनाया गया था उसके लिए, ठीक है अक्षत सर। और एनी क्वेश्चन आपसे, कोई क्वेश्चन बताइए, बाकी टॉपिक में हम कवर करेंगे, मैं आपको AWS एनसीबल के थ्रू AWS पे इंस्टांस क्रिएट करना, VPC क्रिएट करना सब बताऊंगा लाइव, अच्छा सब इस पे हम लाइव आपको बताएंगे, ये और ये आपका डेवॉप्स में आ जाता है, ये आपका डेवॉप्स में आ जाता है, ठीक है। तो एनसीबल थोड़ा सा मार्केट पॉपुलर है, स्मार्ट भी है ना, इसमें मैन पावर भी कम लग रहा है ना,
बने बाए बने बनाए मॉड्यूल है, मॉड्यूल को कॉल करो जी, बस डेट सीट, बस और कुछ नहीं करना है ना। आप सी एल आई भी कर सकते हैं, सिविल को इनका टावर है, जी आई भी मैनेज कर यूज कर सकते हो। आप जिसके बंदे ने कभी सी एल आई कमांड देखा नहीं, सी एल आई इंटरफेस देखा नहीं, उसका आइडिया नहीं है, लेकिन इन सिविल काम कराना तो इन सिविल टावर यूज करते हैं जी आई का। ठीक है सर, और एनी क्वेश्चन बताइए। मैं आपको इन सिविल पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आपको ऑटोमेशन समझा रहा हूँ, अभी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रीवियस टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, क्यों डायरेक्ट इन सिविल ऐसे नहीं निकल गया, इससे पहले भी स्क्रिप्टिंग थे। मैं बस तो आपको यही बस समझा रहा हूँ, अभी हम तो आपके ऑटोमेशन पढ़ा ही नहीं रहे हैं, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ऑटोमेशन सडनली नहीं आ गया। देखो मार्केट, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई प्रीवियस टेक्नोलॉजी के बाद जो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी में ऐसी कुछ जब कोई कमियां रहती है या तो कुछ ऐसी चीज़ें डिसएडवांटेज रहती है, तभी नई टेक्नोलॉजी आती है उन कमियों को पूरा करने के लिए। कि पहले वाली प्रीवियस टेक्नोलॉजी में, प्रीवियस चीज़ों में ये सब कमियां रही, इसमें ठीक कर दिया जाता है, फिर लॉन्च हो। जब कुछ रिसर्च होती है तो उसमें देखा जाता है कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे सेल स्क्रिप्ट के साथ बहुत सारा मसला था, कमांड याद करो यार, कमांड जिसको पता होगा वो स्क्रिप्ट लिख पाएगा, मैन पावर ज़्यादा लग रहे हैं, एक बंदा स्क्रिप्टिंग डिजाइन किया, दूसरा बंदा आके पढ़ नहीं पाता तो क्या लिख दिया अपने अकॉर्डिंग इसमें सब, तो मसला तो था ही ना। अब इंसिबल एडमिन जो इंसिबल ऑटोमेशन के लिए कुछ नहीं, पहले से मॉड्यूल पता है मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूल को कॉल करना स्टार्ट कर देता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप एंसिबल की सेटअप क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हैं, एक EC2 इंस्टांस को आप एंसिबल मशीन बना लो और बाकी नोड को आप ये बना सकते हैं, क्लाइंट नोड बना लीजिए, बस अगर तीन मशीन चाहिए प्रैक्टिस के लिए EC2, ये को मास्टर बना दीजिए, जो को EC2 ये मैं खुद करके दिखाऊंगा ना जब तब। हेलो और बताइए सर, और एनी क्वेश्चन। क्योंकि जो मैं इंसिबल यहाँ पे करवाने वाला हूँ ना, आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे करवाने वाला हूँ पूरा, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो डेवॉक्स इंजीनियर का रोल है उस पर वो कराने वाला हूँ मैं पूरा, कि BM के ऊपर कैसे एप्लीकेशन डालते हैं, कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं, ग्रिप कैसे करते हैं, मतलब जो तुम्हारा रोल करते आ रहे हो ना अब तक 12 साल में, वो काम पूरे कर देंगे इंसिबल में आपसे करवा देंगे। और बताइए पूरा ठीक है, फाइल को कॉपी करवाना क्लाइंट नोट के ऊपर या फाइल को पुश करना मास्टर नोट के ऊपर, यही करते थे ना मैंने वाली, जिसे SCP-rsync कमांड से करते थे, याद आया आपको SCP कमांड से करते थे ना मैंने वाली कॉपी, एक मशीन से बैठ कर दूसरे मशीन में बैठ के कॉपी पेस्ट करना, फाइल को कॉपी करवाना। हाँ जी, तो यहाँ भैया यहाँ भी AC मॉड्यूल है, यहाँ भी आर्काइविंग का मॉड्यूल, आपको पता ना हम लोग लिनक्स से आर्काइविंग यूज करते, टार यूज करते थे, गंजी भी यूज करते थे बैकअप के लिए, तो यहाँ भी मॉड्यूल है ऐसा। नहीं RCL8 में, RCL8 जिसे आपने, जिसे मैं, हम लोगों ने RCL7 आपने पढ़ा है RC, तो उसमें देखा था सांवा सर्वर था, NFS सर्वर था, DNS था, SCSI था। अब उसने क्या कि RCL8 में आके ना उन्होंने इंसिबल डाल दिया पूरा, मतलब अपना, मतलब कि मैनुअली नई चीज़ें होगी, अब सब ऑटोमेशन के थ्रू होगी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मेरे मन हो ही नहीं रही है ना एप्लीकेशन की टूट अपनेट और डायरेक्ट ऑटोमेशन हो, लेकिन उसमें ना अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे ना, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि वो चीज़ सही था, कि बंदे को 1x1 पता होता था कि सर्विस एप्लीकेशन क्या होता था, फायरवॉल की पोर्ट क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, लॉग कहाँ पे, मतलब मैनुअली पढ़ाए जाते थे हर चीज़ पूरा इंड ऑफ। जब कोई एप्लीकेशन की करते हो, एप्लीकेशन की पैकेज का नेम, एप्लीकेशन की पोर्ट पे चल रहा है, फायरवॉल, हाँ वो डायरेक्ट क्या करें, पैकेज लिखा, मॉड्यूल लिखा, दिस इंस्टॉल, दिस सर्विस स्टार्ट, दैट्स इट। लेकिन वो जो मैनुअली हम लोग करते थे ना, वो हमारे लिए बहुत नॉलेज पर्पज़ के लिए ना बहुत अच्छा होता था, कि बंदे को पता होता था पूरी प्रोफाइल एप्लीकेशन डालने से, कि चल HTTP बिग, नहीं मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें ना, मुझे वो चीज़ें पसंद था, मैं सच क्या बताऊँ, मैं खुद RSS से RSS सब सर्टिफाइड हूँ, तो पता है ना मुझे,
तो वो चीज़ें मुझे ऐसा है। करो सर, मेरा जो है ना, मेरा कोड पूरी कोड डेवॉप्सी है, जहाँ पे मैं AWS भी मैनेज कर रहा हूँ, जो भी मैनेज कर रहा हूँ, नहीं पाइथन नहीं देखा सर, पाइथन इतनी। हाँ जी, मैं डेवॉप्स में जैसे AWS है जो एनशीवर दैट्स इट ज़्यादा बस ठीक है। अपना मसल बताओ, सर्वर लेवल पे काम करने का मज़ा नहीं आता ऑनेस्टली पूछो मेरे से, अब मन नहीं करता अब सर्वर लेवल पे मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं, ऑटोमेशन तो इंसिबल यूज कर रहा हूँ पूरा। सर्वर लेवल का मतलब क्या होता है? सर्वर लेवल का मतलब होता है जो L1 का जो L1 L2 वाला के जो जॉब होता है ना, कि एप्लीकेशन डालना, मॉनिटरिंग करना, सब चीज़ों को मैनुअली बैठ, मतलब सर्वर का मतलब ये होता है। अब मतलब ऑटोमेशन में थोड़ा सा एडवांस अच्छा लगता है यार, सर्वर पे ना काम करके VM नहीं लॉन्च वंच करें, डायरेक्ट हम ऑटोमेशन करें। बहुत देखो डिपेंड करता है, सिर्फ देखो ऑटोमेशन से नहीं होता ना, अब डिपेंड करता है तुम्हें कौन कौन सी सर्वर के ऊपर, कौन कौन सी OS के ऊपर ऑटोमेशन करना आ रहा है, कंटेनर पे आता है ये करना नहीं आता, विंडोज़ पे आता नहीं आता। मैं एक चीज बताओ, अगर तुम्हें डेवॉप्स इंजीनियर पढ़ना है ना, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग है तो देखो तुम्हें OS की नॉलेज है, डोंट वरी, इसमें मैं आई नो, मैं बहुत इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस हूँ, आपको OS की नॉलेज है इसमें, नो डाउट। आपको लिनक्स की सर्वर इस क्या जाता है, लिनक्स सर्वर में आ जाता है ना, सर्वर लेवल की नॉलेज है, तो इसको छोड़ दो, स्किप कर दो, आप आ जाओ ऑटोमेशन पे आ जाओ। देखो एनसीवल आ गया, आप देखो अब VM, हम VMware पे करते नहीं, अब हम सीधे क्लाउड की इंफ्रा कर रहे हैं, तो एक क्लाउड की टेक्नोलॉजी हो गई, कोई भी मान लो जैसे क्लाउड ही लिख रहा हूँ सर, कोई भी क्लाउड, कोई बात नहीं, AWS Azure जो भी ले लो, सब क्लाउड वाला वही सर्विस दे रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया, अब देखो अब यहाँ पे भी ना हम लोग कंटेनर यूज कर रहे हैं, डॉकर ले लो, प्रोफाइल देखो कैसे सेट हो रही है, अपग्रेड हो रही है यार, Kubernetes जो कंटेनर का मैनेज करने के लिए होते हैं ना, पूरी चीज़ों को मैनेज करते हैं ना, पूरी Kubernetes हो गया, फिर पाइपलाइन Jenkins CI/CD हो गया, जेन सब बिल्कुल नहीं, डेवॉप्स AWS का डेवॉप्स इंजीनियर अलग होते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ जनरली, Jenkins CI/CD हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी पढ़नी है, जिससे आप डेवॉप्स इंजीनियर बहुत खतरनाक वाले बन जाते हैं, जिससे कम से कम बहुत हाईएस्ट पैकेज ले सकते हैं। गीट हो गया, गीटअप हो गया, नहीं कि उसमें मॉनिटरिंग के लिए थोड़ा बहुत पॉपुलर टूल्स है, मान ही लो बस इतने टूल्स को देखो तुम। हाँ अब देखो तुम्हें दो चीज़ आती है इसमें, थोड़ा बहुत क्लाउड भी आता है, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं तीनों चीज़ मान के चल रहा हूँ कि दो सर ये आता है, ये आता ही आता है, दो पार्ट तो पहले आपके क्लियर है, तो आप और थोड़ा सा आप ऑटोमेशन पर फोकस करो, फिर डॉकर पे कर लो, Kubernetes पे कर लो, और इस पे कर लो, मतलब आई थिंक 2 महीने में कंप्लीट एक डेवॉप्स इंजीनियर आप रेडी हो गए, ये डेवॉप्स सिस्टम इंजीनियर हो गया पूरा। चलो कोई बात, ये इसको ऑप्शनल हम बोलते हैं, और बताइए। हाँ मैं पाइथन को ऑप्शन ही बोलता हूँ, है ना, हम वो काम तो हम एनसीबल से भी कर सकते हैं, क्या चीज, कम से कम अगर तुम्हारे पास 4-5 साल की एक्सपीरियंस, तो 15-20 तक तो खुद ऑफर मिल जाएंगे आपको। हाँ जी, अगर 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का तो मिल जाएंगे। जैसे आप बोल रहे हैं सर मेरा पापा 12 साल है, डायरेक्ट डिवोर्स में आते हैं, तो कम से कम आप 15 से ऊपर तो ले ही मिली जाएगी आपको, नो डाउट, इसमें कुछ भी बंदा हो जाए, बस ये सब टूल से डाउन कर लो, बस स्किल को अपग्रेड कर लो बस सर, और कुछ मत करो। देखो पैक, अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे ना, देखो पैकेज तभी मिले जब तुम्हारे पास कितना सामने वाला बैठा था, कितने उसके स्किल के ऊपर, टूल्स के ऊपर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और कितनी सवाल के जवाब दे रहे हो। ले जाने वाले तो कम से कम 33 लाख रुपये भी ले जाते हैं उसमें, क्या। यस सर, क्या चीज़,
नहीं 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 वो आता है, वो पेड़ वाला भी आता है, जरूरत नहीं। अरे नहीं सर अभी वो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वो भी ले आएंगे सर, कोई बात नहीं। देखो वो भी हमारे लिए सेकेंडरी मैटर, मेरे टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बस मुझे एक होता है, देखो एक चीज़ होता है ना कि जैसे इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है, पीडीएफ फोड़ दिया, स्लाइड फोड़ दिया, वो क्या करते हैं कि बस ना एक बेसिक होता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कैसे, तो उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। समझ गए मैं? हाँ मैं उतना खींचूंगा ही नहीं कि मैं ये चीज़ ऐसे करता है कि मैं पहले ऐसे लेके चलूँ, ये ऑब्जेक्टिव में ही दो घंटा वो जाए रखूँ और सीधे आ जाऊँ, मैं सीधे स्टेट पॉइंट पे आया हूँ, मैं सीधे मैं डिस्कस करूँ सीधे, ये चीज़ें बात है, ऐसे ही जो होगी पहले ऐसे प्रीवियस करते आ रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहा हूँ, इसका ये डिसएडवांटेज था और ऐसे ये था, ऐसे आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी से लेकर वो क्वेश्चन डालते जाऊँ, मैं रिप्लाई करता जाऊँगा। ये पता किसके लिए, इसके किसके लिए होता है, जिसे होता है स्लाइड खोल दिया कि यस। यार बहुत सारे होते हैं जैसे सिक्योरिटी में ना, बहुत सारे जैसे एप्लीकेशन, जैसे कुबरनेटीज का लेकर मान लो कि उसका सीकेएस हो गया कि कुबरनेटीज कैसे आ गया, क्लाउड का सिक्योरिटी कैसे आ गया, जहाँ पे इंस्टांस है, तो ऐसे होते हैं, तो वो वही डेवऑप्स सिक्योरिटी भी बन जाते हैं। चल गया, समझ गया ही कंटेन। क्या करोगे सर, टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे स्पाइस बहुत ज़्यादा बढ़े ही ना, पहले बताओ। चलो कोई अच्छी बात नहीं, पहले मैं आप डेवऑप्स सिस्टम इंजीनियर के प्रोफाइल को सेट कर, देखो मैंने एक्चुअली में बताऊँ ना, जैसे यूट्यूब वगैरह में आपने देखा होगा ना कि जहाँ पे चीज़ें होती है ना कि चीज़ों को पहले ब्लैकबोर्ड में 10 लाइन को खींच रहा है, पहले 20 लाइन का मतलब समझा रहे, फिर बंदा हो ना इरिटेट हो जाता है, अरे यार टेक्नोलॉजी वो फ्रेशर के लिए होता है, कॉलेज या स्टूडेंट के लिए पर्पज से सही होता है कि चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो, यार सीधे मतलब किया हो, पनीर लेना है बनाना क्या है ये बताओ, उसकी डिशेज बताओ, रेसिपी कहानी है, अरे हाँ उसकी पूरी वची बता रहे यार, सीधे बताओ, ये भी लेनी है, दूसरे भी पनीर लेस बना सकते हैं, तुम्हारे पास मार्केट में ऑर्डिनरी है तो चीज़ें उठाओ बनाओ, उसमें भी तुझे मन नहीं है तो ले लो जोमेटो से और स्मार्ट में, क्यों मैंने बोली प्रोसेस में लगे इतना टाइम जाओगे, मार्केट जाओगे, वेजिटेबल जाओगे, ये उठाओगे, ये उठाओगे, कुकिंग करोगे, गैस करोगे, लाओ सीधे करो। अरे वो लेकिन लेकिन वो चीज़ पे कभी काम कर पाओ जब तुम्हारे इतने आर्किटेक्चर इतनी टेक्नोलॉजी क्लियर होंगे तभी, डायरेक्ट नहीं, यह हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब सब ऐसे नहीं, ठीक है ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है तो एनसीबल की जब करेंगे तो अब इसको हम आपको एनसीबल ऑटोमेशन इंजीनियर की पूरी ट्रेनिंग देंगे, जिसके आपको एग्जाम भी दे सकते हो इन फ्यूचर चाहे तो, ठीक है, तो मैं बुक भी फॉलो कराऊंगा, मैं पीडीएफ है मेरा, पीडीएफ सेंड करवा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं पहले नहीं जो मॉड्यूल हम लोग कवर करेंगे, जितनी चीज़ें टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, मैं जो भी चीज़ें दिखाऊँगा मैं क्लाउड पे इंफ्रा लाइव दिखाऊँगा, और दूसरी बात ये आपको एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं टास्क कराऊंगा, जो भी ऑटोमेशन कराऊंगा वो होगी लाइव इंफ्रा बेस होगी, पहले बता दूंगा पूरी, बिल्कुल मैं तुमसे क्या बोला कि जैसे तुम अब तक जो टास्क करते आ रहे 12 साल से ना, उसी से रिलेटेड पूरी ऑटोमेशन आपको ही दे दूंगा पूरा, और बताओ तुम जैसे तुमने बोला कि सर ना बैठ के यूज राइट करता, मैं बोलूँगा ऐसे कर लो, तो आप बोला कि सर ना सीपी से ना मैनुअली सीपी कमांड ऐसे चलते थे ऐसी ये इस टाइप से, नहीं क्योंकि वो L1 N2 आज से 10 साल पहले आप करते थे ये सब चीज़ें, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, सुनो मेरी बात आपसे एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग ये रखा जाएगा कि भाई ये काम करो कि ना तुमने एनसीबल के थ्रू इंटीग्रेशन कंटेनर को इंटीग्रेट कर लोगे, आप एनसीबल के थ्रू क्लाउड पे इंटीग्रेट कर लोगे, उसके थ्रू आप मैनुअली ना करके आपसे इंटीग्रेशन ये रखा जाएगा, हाँ जी हाँ जी बस इस पे इस मैं सर
आई नो अंडरस्टूड सर, ये मुझे पहले से क्लियर, मुझे पता आपसे वो ये सब एक्सपेक्टेशंस किससे रखी जाती है जो L1 जो पहले एक दो साल से निकला जो L1 L2 पे है उनके लिए होती है। 10-12 साल से ये थोड़ी पूछेंगे कि VM कैसे, फाइल टच कमांड कैसे क्रिएट होगा, फोल्डर कैसे क्रिएट होगा, ग्रेप कमांड कैसे चलेगा, फाइंड कैसे करने हैं। हाँ जी, बोल्ट का रोल कैसे होगा, सिक्योरिटी कंडीशन कैसे लगानी है। हाँ जी हाँ जी, लूप का लूप में भी कैसे एंसिबल को यहाँ पर लूप पे यूज करते हैं, है ना। यहाँ भी कंडीशन है, कंडीशन कैसे लगाते हैं, अगर अगर वो यहाँ भी कंडीशन है कि ये वाला पैकेज चलनी है, अपाची इंस्टॉल करवानी है, इसमें भी कंडीशन दो कि आर्चीज 7 होगा तो इंस्टॉल करना, अगर 6 मिल जाए तो नहीं इंस्टॉल करना, कंडीशन भी लगाओ। अगर ये फाइल मिल गया तो मत बनाना, अगर नहीं मिले तो बना दो, है ना। अगर बैकअप नहीं है तो देख लो, अगर पटीशन है तो क्रिएट कर दो, कंडीशन भी देना पड़ेगा ना। बहुत चीज़ें ठीक है, तो इसमें मैं जो मॉड्यूल कम से कम देखो, मॉड्यूल एनसीबल में बात करूँ तो 3000 से ज़्यादा, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो डेवॉप्स लेवल का है ना, बहुत सारे मॉड्यूल में कवर कर चलूँगा, मतलब डेवॉप्स के लिए रेडी कर दूंगा मैं एनसीबल में पूरा, है ना। कि AWS की मॉड्यूल क्या होते हैं, उसके ऊपर चलने वाले मॉड्यूल क्या होते हैं, है ना, स्टोरेज की मॉड्यूल क्या होते हैं, एप्लीकेशन का मॉड्यूल क्या होते हैं, फायरवॉल के मॉड्यूल क्या होते हैं। जैसे आपने पूछा कि सर कि हमें दोनों OS नहीं पता, तो ये मॉड्यूल उन्होंने बना रखा है ना, क्या जरूरत है, करो, है ना। क्योंकि मैं खींचना नहीं चाहता था कि ना कि इंप्रेशन बातें बनाए जा रहे खींचे जा रहे, मैं सीधे पॉइंट पे आया हूँ सीधा कि बातें बनाए जा रहे बैठे हुए आपसे इसी चीज़ों को लेकर, है ना, वो नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस वर्किंग है, इस चीज़ को आप भी समझते हैं, है ना, बच्चे तो है नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर मैं मिलता हूँ आपको, मॉड्यूल फॉरवर्ड करवाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, इसको आर्किटेक्चर कैसे होंगे, इंस्टॉलेशन कैसे होंगे, डिप्लॉयमेंट कैसे होंगे, सब कुछ, ठीक है, ठीक है। वो तो अगर मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं तो प्रोग्रामर हूँ नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ मैं तो हूँ। मतलब किस टाइप का, तो उनके पास भी वो चीज़ बने बनाए मॉड्यूल है ना पहले से पाइथन में के अकॉर्डिंग भी, वो डेवलपिंग का पार्ट है थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, कोड डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर जी, ठीक है सर, उनको PDF आप उनको सेंड करवा दूंगा, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके सर, बाय सर, वेलकम सर, वेलकम सर।